मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब हॉस्टल में रह रही एक युवती ने अपने साथ हो रही छेड़खानी की शिकायत की। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सचिन से की, जिसके बाद बताया जाता है कि छात्र नेता अपने साथियों के साथ छेड़खानी करने के कथित आरोपी सूरज के घर पहुंचे, जहां सूरज के परिजन और शिकायत करने वाली छात्रा पक्ष में पहुंचे। छात्र नेताओं के बीच आपस में मारपीट हो गई, जिससे सूरज की बहन के सिर में चोट लग गई। इसके बाद युवक सूरज के परिजनों और साथियों ने वहां पहुंचे छात्र नेता और उसके साथियों को दौड़ा लिया। गुस्साए लोगों ने बाकायदा वहां आए छात्र नेता की गाड़ी भी जमकर तोड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। अरे ये वो लड़की जाएगा अगर ये भी चलेगा सिंधु बस्ती में पहले चलेगी बिल्कुल छेड़ के। किसके लिए? लड़की कहाँ है? लड़की को लोची में।